श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है, और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। चंद्रमा इस दिन आपकी कुंडली में 12वें भाव में रहेंगे। जी हाँ, 12वें भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता है। 12वें भाव में चंद्रमा के होने से इस दिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होगी, और साथ ही कुछ उपाय करने भी जरूरी होंगे ताकि आपका दिन अच्छा जाए। इस दिन आप मानसिक रूप से परेशान रहोगे, एनर्जी की कमी रह सकती है, कामों में अड़चने व रुकावटें देखने को मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक गलत निर्णय लेने से भविष्य में आपको पछताना भी पड़ सकता है। आज फिजूल के खर्चे काफ़ी हो सकते हैं, तो खर्चे पर लगाम लगाएं। लापरवाही बरतने से आज बिजनेस में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, पर अगर आप सावधानी बरतते हैं और शांति से काम लेते हैं तो नुकसान नहीं होगा। आज आपको बिजनेस संबंधी यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्राएं करने के लिए समय ठीक नहीं है। यात्राओं से लाभ मिलने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। यात्राएं टाल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य भी परेशान कर सकता है, तो संभल कर रहना जरूरी होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए मानसिक परेशानियाँ रह सकती है। ऑफिस में माहौल आपके खिलाफ रहने की संभावना रहेगी। आज शांति बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में किसी से झगड़ा फसाद हो सकता है। अगर कोई आपसे तू तू मैं करता भी है तो भी उस पर ध्यान ना दे, क्योंकि आज किसी भी तरह के विवाद में पड़ना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आज आप अगर अपने काम से काम रखते हैं, खुद को काम में बिजी रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर परिवार में भी परेशानियां रह सकती है। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना रहेगी, इस वजह से खर्चा भी काफ़ी हो सकता है। इस दिन चोट लगने की भी संभावना है, तो आपको संभल कर रहना होगा। आपके वाहन की स्पीड भी धीमी रखनी होगी। किसी भी काम में जल्दबाजी इस दिन ना करें और व्यर्थ के वाद विवाद करने से बचे। परिवार के लोगों के साथ प्यार से पेश आए। अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी किसी वजह से तनाव उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। आज हर काम समझदारी से करें, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना होने दें। स्टूडेंट्स के लिए भी समय थोड़ा परेशानी भरा रहेगा। पढ़ाई से अलग चीज़ों में मन लगेगा, ध्यान भटकेगा, अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर पाना आज मुश्किल हो सकता है। आज सफ़ेद चंदन का टीका माथे पर जरूर लगाएं। अपनी किताबों को साफ सुथरा रखें, उन पर धूल मट्टी ना बैठने दें, हल्का भोजन करें और पढ़ाई के दौरान ब्रेक्स जरूर लें। दोस्तों, अगर आप विदेश में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया रह सकता है। वहां से धन कमाना भी आपके लिए आसान रहेगा। विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश में पढ़ाई के लिए जाना है तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई विदेश में रहता है तो उनसे भी आपकी बातचीत इस समय में बढ़ सकती है, तो विदेश से जुड़े मुद्दों पर आपको लाभ ही लाभ मिल रहा है, लेकिन बाकी सारे क्षेत्रों में नुकसान होने की संभावना ही रहेगी। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय में स्वास्थ्य भी परेशान कर सकता है। आंखों से जुड़ी परेशानियां रह सकती है, मानसिक तनाव डिस्टर्बेंसेस भी रहेंगे, पुरानी परेशानियां भी आपको परेशान कर सकती है। आज हल्का भोजन लें, सुबह टहलने जरूर जाए, कौवों को रोटी खिलाए, मंदिर जाकर भगवान का दर्शन लें और 1 रुपए का सिक्का गुल्लक में जरूर डालें और माथे पर चंदन या केसर का तिलक जरूर लगाएं, तो काफी हद तक परेशानियां खत्म हो जाएगी। इस दिन आपके लिए पीले रंग का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा, और 3 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।